केंद्रीय कानून और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो जाएंगे जिन्हें जमीन पर उतारना एक चुनौती है साथ ही मेघवाल ने कहा संसद में भले ही समीकरण बदले हों लेकिन सरकार एनडीए की ही है बात करते हैं केंद्रीय कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से सर एक तो आपको लोकसभा सीट जीतने के लिए भी बधाई और मंत्री बनने के लिए बधाई धन्यवाद आपका भी और आभार प्रधानमंत्री जी का कि पुणे मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है लॉ एंड जस्टिस की भी इसलिए प्रधानमंत्री जी का आभार सर 2014 से 2024 में कितनी बड़ी चुनौतियां होने वाली है तीसरे टर्म में और खासकर अगर कानून मंत्री के तौर पर आप फुल टर्म हो गया देखिए एक तो एक जुलाई से हमारा जो जस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये एक जुलाई से लागू हो जाएंगे इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इनके लिए जागरूकता शिविर लगाना ये एक बड़ी चुनौती है जिसको निश्चित रूप से हमें अवसर में बदलेंगे कुछ हमारी वर्कशॉप हुई है उससे लगता है कि ये सिस्टम जैसे ही लागू होगा तो जो लंबित मामले हैं वो समयबद्ध तरीके से निस्तारित होने लग जाएंगे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा चाहे ई कोर्ट के माध्यम से हो चाहे हमारा टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है वो इसमें नई पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इसका बहुत फायदा मिलेगा जीरो एफ का सिस्टम हो चाहे हमारे टाइम लाइन कि इतने समय में आपने इस केस का निस्तारण करना ही होगा ये जो चीज़ें इसमें डाली है नई क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में वो हमें मदद करेगा ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में ये बड़ा विषय है हमारे प्रधानमंत्री जी का ईज ऑफ लिविंग नागरिक जो भी है एडवोकेट हो सकते हैं हमारे लॉ से जस्टिस से जुड़े हुए एडवोकेट हों लिटिगेंट हो जिनका भी कोर्ट में काम पड़ता है जिनका भी न्यायालय में काम पड़ता है जिन भाव, जिनका भी हमारे मंत्रालय से संबंधित कोई काम पड़ता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो ईज ऑफ लिविंग उनका बढ़े ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है एक और जिम्मेवारी है सर संसद की चलाने की जिम्मेवारी है सरकार की तरफ से इस बार मैंडेट चौदह उन्नीस से अलग है एन का और जो आपका अपोजिशन है उनकी संख्या भी बढ़ी है तो आपको लगता है कि थोड़ी मुश्किल होगी अहम बिल को पास कराने में या फिर आप किस तरह से कंफर्टेबल होंगे देखिए मैंडेट तो एनडीए को दिया है अब अपोजिशन को जो मैंडेट मिला है वो अपोजिशन में रहने का मिला है और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की भी भूमिका है और विपक्ष की भी भूमिका है जब मैंडेट हमें मिला है सरकार चलाने का तो बिल पास करना लोकसभा और राज्यसभा में ये भी एक सरकारी काम है आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के रूप में शासन चलाने का लंबा अनुभव है अटल जी के समय भी एनडीए का शासन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014-19 में सरकार तो एनडीए की थी इस बार 24 में भी एनडीए की सरकार है कोई भी चुनौती हो हम सब मिलकर के उस चुनौती को अवसर में बदलेंगे क्योंकि हमें सबको लोकतंत्र को मजबूत करना है इस बार तो एक्चुअल में एलओपी मिलेगा और बहुत संभावना जताई जा रही है दबाव कांग्रेस की तरफ से भी है कि राहुल गांधी बने अगर वो बनते हैं तो फिर आप किस रूप में क्योंकि बहुत एग्रेशन है उनका सरकार के प्रति भी दिखता। नहीं वो तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है वो किसको बनाते हैं एल होना मैंने जैसे कहा ना सत्ता पक्ष का भी अपना काम है विपक्ष का भी अपना काम है वो अपना अपना काम करे अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी तो स्पीकर साहब कोई निर्णय करेंगे उसमें क्या दिक्कत है बहुत बहुत शुक्रिया सर रविंद्र कुमार जी मीडिया दिल्ली